हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। हमने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट शुरू किया था और हमने आपको बताया था कि जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसके यहाँ पर दो मैप हैं, एक पॉलिटिकल मैप और दूसरा फिजिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप के विषय में कल हमने आपको बताया और फिजिकल मैप के विषय में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो फिजिकल मैप को पढ़ने से पहले हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है ये फिजिकल मैप होता क्या है। फिजिकल मैप को हिंदी में कहते हैं भौगोलिक मानचित्र, अर्थात वह मानचित्र, अगर विश्व पटल पर देखा जाए तो वह मानचित्र जिसमें कि हम पर्वतों को, पठारों को, नदियों को, झीलों को, समुद्रों को, कटकों को इत्यादि को रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है? भौगोलिक मानचित्र होता है। तो आप ये देखिए, यहां पर यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का भौगोलिक मानचित्र है। हमने यहां लिखा है दक्षिणी अमेरिका भौगोलिक मानचित्र, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कि इस पूरे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में तरह तरह के रिलीफ स्ट्रक्चर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इधर यह पूरा पर्वतीय क्षेत्र है जिसे वेस्टर्न कॉर्डिलेरा कहते हैं, बीच बीच में मरुस्थली क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, नदियां हैं, झीलें हैं, ग्रासलैंड हैं, वनस्पतियां हैं, ठीक है। और यहाँ किनारे पर आप देखिए खाड़ियां हैं और कुछ द्वीप यहाँ पर मौजूद हैं। इस वजह से यह सिद्ध होता है कि यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक भौगोलिक मानचित्र है। ओके, तो इस भौगोलिक मानचित्र की जो शुरुआत हम करने जा रहे हैं वो सबसे पहले इसके पश्चिमी क्षेत्र को लेकर। आप देख लीजिए कि इसके पश्चिमी क्षेत्र में ब्लू मार्कर से जो हमने रिप्रेजेंट किया है ये है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, ठीक है। द अदर नेम ऑफ दैट वेस्टर्न कॉर्डिलेरा इज एंडीज माउंटेन। इसका क्या नाम है? एंडीज पर्वतमाला। आप देख सकते हैं कि ये जो एंडीज पर्वतमाला है यह एक नवीन वलित पर्वतमाला है। अगर देखा जाए, इसकी विशेषता पर ध्यान दिया जाए तो विश्व पटल में, विश्व पटल पर यह सबसे लंबी नवीन वलित पर्वतमाला है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है। आप देख सकते हैं कि यह कोलंबिया, कल हमने आपको बताया था राजनीतिक मानचित्र में यहां पर कोलंबिया देश है। कोलंबिया देश से लेकर के यह दक्षिण की तरफ यह विस्तृत होती जा रही है और यह आपके तेरा डेल फ्यूगो द्वीप तक विस्तृत है। इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो नियर अबाउट दक्षिण से लेकर उत्तर तक लगभग 7000 किलोमीटर की लंबाई में यह विस्तृत है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपका अकांका गुआ है और यह जो अकांका गुआ है वह आपके अर्जेंटीना देश में है। कहां पर है? अर्जेंटीना देश में। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, लिख दें कि यह जो है अकांका गुआ अर्जेंटीना देश में है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे उच्चतम पर्वत शिखर है वो है अकांका गुआ, जो अर्जेंटीना देश में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। आप यहां पर देख रहे हैं कि ये रेड मार्कर से हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया है, बीच बीच में कई पठार अवस्थित है। इन पठारों को कहा जाता है अंतः पर्वतीय पठार, इंग्लिश में कहते हैं इंटर माउंटेनियस प्लेट्यू, अर्थात पर्वतमालाओं के मध्य में अवस्थित पठारों को इंटर माउंटेनियस प्लेट्यू कहा जाता है, अर्थात क्या कहते हैं? अंतः पर्वतीय पठार कहते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर इक्वाडोर देश है तो यहां पर इक्वाडोर का पठार है, यहां पर पेरू देश है तो पेरू का पठार है, यहां पर बोलिविया है, बोलिविया देश है तो बोलिविया का पठार है। तो इस प्रकार आप यहां पर देख रहे हैं कि एंडीज पर्वतमाला के मध्य में विभिन्न देशों में पठारी क्षेत्र अवस्थित है, अतः इन्हें कहा जाता है अंतः पर्वती पठार। ओके, आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो है इक्वाडोर में एक पर्वत है, इसका नाम है कोटोपैक्सी पर्वत। वास्तव में यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। कोटोपैक्सी पर्वत क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत है। अगर हम इसकी बात करें तो यह संपूर्ण विश्व में सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ये क्या है? सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
कि विश्व में सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है या ज्वालामुखी कौन सा है, तो आपका आंसर होगा कोटोपैक्सी। दूसरा क्वेश्चन ये पुटअप होगा कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत किस देश में स्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा, इक्वाडोर देश। फिर यहां पे क्वेश्चन पुटअप होगा कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो सक्रिय है, सर्वाधिक सक्रिय है, ठीक है, वो किस महाद्वीप में है, तो आप बता सकते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ओके, तो यहां पर ये सारी बातें क्लियर हो गई। आप यहां पर देखिए, यहां पर एक झील है, इस झील का नाम है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील यहां पर स्थित पेरू और यहां पर स्थित बोलिविया देशों की सीमा पर है। इसकी विशेषता पर अगर गौर किया जाए तो टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। नौगम्य का मतलब यहां पर बोट यानी जलयान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए हमेशा आते जाते रहते हैं। इस वजह से कहा गया कि टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। आप यहां पे देखिए, एक झील है पोपो झील। पोपो झील ये बोलिविया देश में है। फिर यहां पर देखिए, वेनेजुएला में भी एक झील अवस्थित है। इस झील का नाम है मराकाइबो। मराकाइबो झील की विशेषता यह है कि विश्व पटल पर खनिज तेल के भंडारण की दृष्टि से यह विश्व में क्या है, अग्रणी है। यानी यह जो झील है यह एक तेल क्षेत्र झील है जो विश्व पटल पर खनिज तेल के भंडारण की दृष्टि से क्या है, अग्रणी है। ओके, तो ये बातें भी क्लियर हो गई। इसके बाद अब आप यहां पर देखिए, यहां पर एक मरुस्थल है। इस मरुस्थल का नाम है अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल आपके उत्तरी चिली में अवस्थित है, यहीं से मकर रेखा गुजरी हुई है, तो उत्तरी चिली में स्थित है। और यह जो क्षेत्र है यह आपका रैन सैडो रीजन है, अर्थात वृक्ष छाया प्रदेश है, जहां पर वर्षा नहीं होती है या वर्षा होती है तो अपेक्षा के कम होती है। इस वजह से यह जो क्षेत्र है यहां पर नमी नहीं है, इस वजह से यह क्या है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। तो क्लियर हो गया। तो आपने अभी तक क्या जाना, आपने जाना कि एंडीज वलित पर्वतमाला है, नवीन वलित पर्वतमाला है, जो विश्व की सबसे लंबी नवीन वलित पर्वतमाला है। दूसरा आपने जाना कि ये कोटोपैक्सी, यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। तीसरा आपने जाना ये टिटिकाका झील है जो विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। फिर आपने जाना कि यहां पर मराकाइबो झील है वेनेजुएला में, जो खनिज तेल के भंडार की दृष्टि से विश्व में अग्रणी है। फिर आपने यह जाना कि अकांकागुआ जो पर्वत चोटी है, ठीक है, यह अर्जेंटीना में स्थित है और यह दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ग्रासलैंड की। ठीक, तो यहां पर देखिए, आप देख रहे होंगे कि वेनेजुएला में कुछ ग्रासलैंड है, कुछ आपके ब्राजील में है, कुछ आपके ब्राजील, अर्जेंटीना और आपके उरुग्वे और पराग्वे देश में है, और कुछ आपके ग्रासलैंड कहां है, अर्जेंटीना में है। तो देखिए, ये जो घास है, घास का मैदान है जो वेनेजुएला में स्थित है, ये लानोज घास का मैदान है। और ये जो घास का मैदान है एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कैसा घास का मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। यहां लिखते हैं यानी इसको कहते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। क्यों, क्योंकि यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है। दूसरा देखें, आपके ब्राजील में कंपास घास का मैदान है। यह जो कंपास घास का मैदान है यह भी एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, अर्थात ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। इसको भी वही चीज लिखते हैं। उष्ण कटिबंधीय। फिर यहां पर देखिए पंपास। पंपास जो है यह अर्जेंटीना देश में स्थित है, लेकिन यह मकर रेखा के दक्षिण में है। इस वजह से यह जो घास का मैदान है यह एक शीतोष्ण घास का मैदान है। ठीक है, कैसा है, शीतोष्ण घास का शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि जो अल्फा अल्फा है, अल्फा अल्फा ये कई देशों में विस्तृत है। ठीक है, ये आपका देखिए ब्राजील में भी पाया जाता है, उरुग्वे में भी पाया जाता है,
पैराग्वे में पाया जाता है और अर्जेंटीना में भी पाया जाता है। आप देख सकते हैं यहां पर हमने ग्रीन मार्कर से कुछ वेजिटेशन को रिप्रेजेंट किया है ना, यहां पर भी है आपके एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी भाग में। तो देखिए जो एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी भाग में जो हमने वेजिटेशन को रिप्रेजेंट किया है उसे कहा जाता है मोंटाना वेजिटेशन, यानी मोंटाना वनस्पति। फिर यहां पर देखिए अर्जेंटीना के उत्तर में और पराग्वे देश के पश्चिम में कुछ वनस्पतियां स्थित है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रान चाको वनस्पति। ये क्या है, ग्रान चाको वनस्पति। ये जो ग्रान चाको वनस्पति है ये यहां पर कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ठीक है, क्या होती है, कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती है। फिर आप देखिए यहां पर ये अमेजन नदी है, अमेजन नदी के किनारे किनारे कुछ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। तो ब्राजील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों को कहा जाता है सेल्वास। ठीक है, इसके अंतर्गत आपके महोगनी आते हैं, बांस बेत आता है, एबोनी आता है, रोजवुड आता है, वगैरह वगैरह वनस्पतियां इसके अंतर्गत शामिल हैं। और इस प्रकार की वनस्पतियां सदैव हरी भरी होती हैं, डेंस फॉर्म में होती हैं, इस वजह से इसे सदाबहार वनस्पतियां कहते हैं। ओके, फिर आप देखिए यहां पर ये आपका अर्जेंटीना देश है। इस अर्जेंटीना देश में यहां पर दक्षिण दिशा में पेटागोनिया का मरुस्थल है और इसी के नाम पर यहां पर रेड मार्कर से हमने रिप्रेजेंट किया है, ये आपका पेटागोनिया का पठार है। क्या है, पेटागोनिया का पठार है। इसके बाद आप देख लीजिए यहां पर ब्राजील में एक नदी प्रवाहित हो रही है जिसका नाम है अमेजन नदी। अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, विश्व की सबसे गहरी नदी है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है और लंबाई की दृष्टि से यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ओके, यह नदी एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और माराज द्वीप, यहीं पर माराज द्वीप है। कौन सा द्वीप है, माराज द्वीप, यहां लिखते हैं। माराज द्वीप के समीप यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। आप देख सकते हैं यहां पर इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे इधर से उत्तर से आ रही आपकी निग्रो नदी, इधर से पुरुष नदी है, मैंडिरा नदी है, इस प्रकार बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां इससे मिलती हैं और अंततो गत्वा वो जा करके अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। ओके, फिर यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर नदियों की दो धाराएं आ रही हैं, इस धारा को कहते हैं पराग्वे। क्या कहते हैं, पराग्वे। ये पराग्वे नदी है, ये जो धारा आ रही है ब्राजीलियन उच्च भूमि से इसे कहते हैं पराना। ये दोनों नदियां जब अर्जेंटीना में मिलती हैं तब एक मैदान का निर्माण होता है, उस मैदान का नाम है लाप्लाटा मैदान, या एक नदी का विकास होता है उसे लाप्लाटा नदी कहते हैं। फिर उरुग्वे क्षेत्र में यहां पर एक नदी और आती है उसे कहते हैं उरुग्वे नदी। कौन सी नदी, उरुग्वे नदी। ये उरुग्वे नदी जब इससे मिल जाती है तब यहां पर एक खाड़ी है जिसे रियो डी प्लाटा के नाम से जाना जाता है, इस खाड़ी में गिर करके यह अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बहुत सारी खाड़ियां विद्यमान है। आप देख सकते हैं यहां पर वेनेजुएला देश है, वेनेजुएला देश के उत्तर में एक खाड़ी है, वेनेजुएला की खाड़ी है। फिर यहां पर देखिए यहां पर वेनेजुएला के उत्तर में अगर उत्तर पश्चिम में देखा जाए तो यहां पर डेरियन की खाड़ी है। फिर यहां पर पनामा नहर है, पनामा नहर के अगर हम बाएं साइड में देखते हैं तो यहां पर एक खाड़ी है, इसे पनामा की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, यहां पर पनामा नहर है, पनामा नहर के द्वारा आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका एक दूसरे से अलग हुए हैं और साथ में ये जो पनामा कैनाल है वह अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। फिर आप ऐसे दक्षिण में चले आइए, यहां पर इक्वाडोर देश है, इक्वाडोर देश के पश्चिमी क्षेत्र में प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में ग्वायाकिल की खाड़ी स्थित है। फिर और आप दक्षिण में आइए तो जब दक्षिण में आते हैं तो यहां पर चिली देश में आप देखेंगे तो चिली देश के दक्षिणी क्षेत्र में पेनास की खाड़ी आपको मिलेंगी और यहीं पर आपको एक द्वीप मिलेगा जिसे वेलिंगटन द्वीप कहते हैं। उसी प्रकार यहां पर ग्वायाकिल खाड़ी के समीप एक द्वीप है जिसे गालापागोस द्वीप भी कहा जाता है। कौन सा द्वीप कहते हैं, गालापागोस द्वीप। देखते हैं यहां पर भी एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है
गालपोगास द्वीप। तो एक द्वीप आपका यहां पे गुयाकिल की खाड़ी के समीप है, दूसरा द्वीप आपका विलिंगटन द्वीप के समीप है, तीसरा आपका तेरा डेल फ्यूगो है, फिर चौथा आपका फॉकलैंड द्वीप है, ठीक है। इस प्रकार से यहां पांचवा आप देखेंगे तो माराज द्वीप है। तो इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के किनारे किनारे बहुत सारे द्वीपीय क्षेत्र मौजूद हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखिए, जब यहां से हम दक्षिण की तरफ मुड़ते हैं तो यहां पर आप देखिए कि दक्षिणी अमेरिका का जो सबसे दक्षिणतम हिस्सा है उसे केप ऑफ हॉर्न कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? केप ऑफ हॉर्न। और केप ऑफ हॉर्न एक मैगलन जलसंधि है, वो तेरा डेल फ्यूगो से अलग होती है। तो तेरा डेल फ्यूगो और आपका केप ऑफ हॉर्न ये मैगलन जलसंधि के द्वारा अलग होता है। और ये जो मैगलन जलसंधि है ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इसके बाद आप देखिए यहां पर अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये आपका तेरा डेल फ्यूगो है। तो तेरा डेल फ्यूगो को अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग करती है ड्रैग पैसेस, और ये ड्रैग पैसेस अटलांटिक ओशन को प्रशांत महासागर से यानी पैसिफिक ओशन से जोड़ती है। आप यहां पर देख सकते हैं ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर में एक प्रायद्वीप है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना में एक प्रायद्वीप है। इस प्रायद्वीप का नाम है वाल्डेज पेनिनसुला, वाल्डेज प्रायद्वीप। ओके, यहां पे देखिए वाल्डेज प्रायद्वीप के उत्तर में आप देखेंगे तो सान मावियस की खाड़ी है, और दक्षिण में देखेंगे तो सेंट जॉर्ज की खाड़ी है। इस प्रकार आपने देखा कि यहां पर बहुत सारी खाड़ियां मौजूद हैं, बहुत सारे द्वीपीय क्षेत्र मौजूद हैं। फिर आप देख सकते हैं यहां पर चिली का जो दक्षिणी क्षेत्र है, ठीक है, ये काफी कटा फिटा है। इस कटे फिटे तट को कहा जाता है फ्योर्ड। पूरे विश्व पटल में दो जगह फ्योर्ड पाया जाता है, एक आपका नॉर्वे में जो आपका यूरोपियन कंट्री है, और दूसरा दक्षिणी अमेरिका का चिली देश है जहां पर ये फ्योर्ड तट मौजूद है, ठीक है। फिर देखिए यहां पर तीन नदियों के मैदान हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर वेनेजुएला में एक नदी प्रवाहित होती है, उस नदी का नाम है ओरिनोको नदी। और निको नदी है वो गायना पठार पर, गायना पठार से निकलती है, वहीं पर प्रवाहित होती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो ओरिनोको की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, उसमें एक नदी है कैरो। तो कैरो नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, उस जलप्रपात का नाम है एंजिल जलप्रपात। आप देख सकते हैं कि यहां पर एक जलप्रपात है, इसका नाम है एंजिल जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात। अगर एंजिल जलप्रपात की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो 979 मीटर है, आप देख सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है, तो आप बता सकते हैं विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला देश में है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं एंजिल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी की सहायक नदी पर है, तो आप बता सकते हैं ओरिनोको की सहायक नदी कैरो नदी पर अवस्थित है। ओके, या विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस महाद्वीप में स्थित है, तो आप बता सकते हैं कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। तो इस प्रकार यहां पर ओरिनोको नदी का मैदान है। फिर यहां पर दक्षिण में आप देखेंगे यानी मध्यवर्ती क्षेत्र में देखेंगे तो यहां पर ब्राजील है, यानी अमेजन बेसिन क्षेत्र है, अमेजन का मैदान है। और इस प्रकार यहां पर आप देखेंगे अर्जेंटीना क्षेत्र में देखेंगे तो यहां पर एक मैदान है जिसे पराना पराग्वे का मैदान या लाप्लाटा का मैदान कहा जाता है। फिर आप देखिए ये जो आपका चिली देश है, चिली देश ये विश्व में टिन के उत्पादन में अग्रणी है, इसलिए ताबे की राजधानी के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। यानी अर्जेंटीना जो सॉरी जो यहां पे आपका देश चिली, इसे ताबे की राजधानी के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि आपका ये जो ब्राजील देश है यहां पर कहवा का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, यानी कहवे के उत्पादन में ब्राजील का विश्व में पहला स्थान है। अब जब यहां पे कहवा का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है तो इस वजह से कहवा को कहीं ना कहीं स्टोर्ड किया जाता है, जिसे मंडी कहते हैं। तो यहां ब्राजील में एक शहर है, उस शहर का नाम है साओ पोलो। क्या नाम है? साओ पोलो। यहां पर एक शहर है, आप देखेंगे यहां पर एक शहर है, उस शहर का नाम है साओ पोलो। साओ पोलो को कहा जाता है कहवा मंडी, कहवा मंडी। उसी प्रकार यहां पर एक और शहर है, उसका नाम है सेंटोस शहर, उस सेंटोस शहर को कहा जाता है कहवा पत्तन। और यहां पर जो कहवा फॉर्म है उसे कहा जाता है फजेंडा।
आप देख सकते हैं कि यहां पर जो चिली देश है, जो आपका ये अर्जेंटीना देश है, ये आपका उरुग्वे देश है, यहां पर गेहूं बड़े पैमाने पर उत्पादित होता है। लेकिन अगर मक्के की बात की जाए तो मक्के का उत्पादन अर्जेंटीना में भी होता है, ब्राजील क्षेत्र में भी होता है। अगर यहाँ के जलवायु की बात की जाए तो यहां देख लीजिए, ये आपका जो चिली देश है, चिली देश का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, यहां पर भूमध्य सागरी जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरी जलवायु से तात्पर्य होता है कि यहां पर शीतकाल में वर्षा होती है, ग्रीष्मकाल शुष्क होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि यहां पर अलग अलग प्रकार के विविधताएं मौजूद हैं और इन विविधताओं की वजह से यहां पर अलग अलग प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का यह फिजिकल मैप था, अर्थात भौगोलिक मानचित्र था, यहीं पर समाप्त हुआ। ओके, थैंक यू।